तो ये हमारा जो 5 ईयर प्लान थी, तो 1985 से लेकर के 1990 के जो हमने दौर देखा, तो अब सोच सकते हैं कि इसके पहले यदि हम एक साल देखते हैं तो 1984, 1984 जब हमारे देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी का कत्ल होता है। सुने होंगे, इंदिरा गांधी जी का यहाँ पर कत्ल हो जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि देश के नए जो प्रधानमंत्री के रूप में आते हैं वो राजीव गांधी जी आते हैं, राजीव बाबू आते हैं, और राजीव गांधी पीएम तो बनते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो एक सूझबूझ होना चाहिए देश की अर्थव्यवस्था, संस्कृति, समाज, राजनीति, ये सभी को जो स्थापित करने के लिए जो विचार होने चाहिए, क्योंकि ये नॉर्मली देखा जाए तो ये पायलट थे और इनको डायरेक्ट देश के प्रधानमंत्री बना दी गई, तो कहीं ना कहीं असंतुलन, ऐसी समस्याएं बनी होगी। और यही कारण हुई थी कि इलेक्शंस में, फिर अगला इलेक्शन जो हमारा 1989 में हुआ था, जो हमने आपको बताया था, 1989 का जो हमारा इलेक्शन हुआ था, इसमें यदि हम बात करते हैं तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, या यूपीए हम कह सकते हैं, यूपीए जो है ये मेजोरिटी में तो आया था, हम कह सकते मेजोरिटी में तो थी, लेकिन सरकार बनाने के जितना हमें मेजोरिटी चाहिए था उतना नहीं आ पाया। अंत में इसमें आपने देखा होगा वीपी सिंह जो थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह, इनकी अध्यक्षता में फिर प्रधानमंत्री मतलब यहाँ की सरकार बनी। और वीपी सिंह की जो सरकार बनी थी यह गठबंधन का सरकार था, गठबंधन का सरकार था, क्लियर हो गई। उसके अलावा आप देख सकते हैं इस दौर में यदि और स्थिति को देखते हैं, तो इसी दौर में आपने देखा होगा कि श्रीलंका का जो प्रॉब्लम क्रिएट ज़्यादा हो गई थी, यहाँ पर जो लिट्टे था, लिट्टे और श्रीलंका की जो सरकार थी, ये दोनों यानी सिंहली सरकार इसको हम लोग बोलते हैं, शॉर्ट में बता रहा हूँ क्या नाम था, सिंहली। तो सिंहली सरकार जो श्रीलंका के थी, और लिट्टे, दोनों लिट्टे कौन सा एक था, आतंकवादी ग्रुप था, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में कहीं ना कहीं चुनौतियाँ बन जाता है। और लिट्टे का जो नेतृत्व कर रहा था वो प्रभाकरण कर रहा था, कौन कर रहा था, प्रभाकरण कर रहा था। और इसी दौर में आपने देखा होगा कि दिल्ली के अशोका होटल में राजीव गांधी, अशोका होटल आप दिल्ली में याद रखिएगा, अशोका होटल में राजीव गांधी तथा प्रभाकरण के दोनों के बीच में एक बात होती है। और इस बातों में पूछ बताया गया था, खासतौर पर राजीव गांधी जी ये आश्वासन दिए थे कि हम श्रीलंका की सरकार से बात करेंगे तथा आप लोगों की जो प्रिविलेजेस चाहिए, जो अधिकार के लिए आप लड़ रहे हैं, आपको अधिकार दिलाएंगे। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो लिट्टे थे, लिट्टे कौन थे, ये लिट्टे जो है साहब ये सारे तमिल थे। जब गिरमिटिया मजदूर के नाम आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, तो गिरमिटिया मजदूर के रूप में इन लोगों को जो ले गया गया था तमिलनाडु में। और उसके बाद जब हमने देखा कि 1948 में, 1948 में जब श्रीलंका की आज़ादी होती है, तो आज़ाद होने के बाद वहाँ की जो सरकार थी इनके कहीं अगेंस्ट हो रही थी, या इनको कह सकते देश से बाहर निकालने की बात हो रही थी, लेकिन ये बहुत लंबे समय तक वहाँ पर रह गए थे और ये अब उस देश को छोड़ना नहीं चाह रहे थे। अंत में इनमें भी कहीं ना कहीं एक आक्रोश हुआ और इन्होंने सरकार के अगेंस्ट एक पार्टी जिसको लिट्टे कहते हैं, इसके रूप में इन्होंने खड़ा कर दिया। अब होती है साहब कि दोनों के बीच में, और जैसे ही प्रभाकरण और हमारे राजीव गांधी जी के बीच में बात होता है सुका होटल में, और इसी के दौरान श्रीलंका की जो सरकार थी भारत सरकार से सहायता मांगा, और उन्होंने कहा कि भारत इंडिया पीस कीपिंग फोर्स हमें चाहिए। क्या चाहिए, इंडिया पीस कीपिंग फोर्स, यानी भारत से उन्होंने शांति सेना का डिमांड कर दिया। और जैसे ही इन्होंने शांति सेना का डिमांड किया, भारत सरकार ने शांति सेना तो भेज दिया, लेकिन जाने के बाद जो इंडियन सेना थी, श्रीलंका की सरकार ने इसका दुरुपयोग कर लिया। उन्होंने क्या किया कि जो इंडियन पीस कीपिंग जो हमारी फोर्स थी, इसको उन्होंने उकसा दिया और लिट्टे पे, क्योंकि लिट्टे और श्रीलंका की जो सेना थी, ये दोनों के बीच में विवाद हो जाता है। और फाइनली क्या होता है, श्रीलंका का जो सरकार थी, जो सिंहली जो सेना थी, उन्होंने लिट्टे पर अटैक किया, जिसके कारण लगभग लिट्टे के 5-7 वो जो इसके लड़ाकू थे वो मारे जाते हैं। और फिर लिट्टे का जो सेना थी, उन्होंने सिंहली सेना पर जब अटैक किया, या कह श्रीलंका ही सरकार सेना पर अटैक किया, तो लगभग वहाँ 50+ जो थे वहाँ की सरकार की सेना मारे जाते हैं। और उसी के बाद भारत सरकार की जो इंडिया पीस कीपिंग जो सेना गई थी, इसको श्रीलंका की सरकार ने इस्तेमाल करना शुरू किया। और इसी के से कह सकते आक्रोशित तो होकर के जो प्रभाकरण जो था, इन्होंने एक षड्यंत्र रचता है कि भारत के प्रधानमंत्री को अब कत्ल हम करेंगे या उनसे हम दो, क्योंकि इन दोनों के बीच में बात हुआ था, ठीक है। और यही प्रॉब्लम हुआ कि जब राजीव गांधी 1991 में खासतौर पर तमिलनाडु में जब उन्होंने गए राजनीति, या कह सकते चुनावी कंपेन रैली करने, तो इन पे एक महिला बम के रूप में इन पे अटैक किया गया तथा इनकी आत्मघाती हमला में मारे जाते हैं, क्लियर हो गया। तो ऐसी जो चुनौतियां बनी थी, ये चुनौतियां हमारे 1990 के दशक में बना था। फिर आगे आपने देखा होगा 1991 में, फिर आपने देखा कि बाबरी के और अयोध्या वाला घटना घट जाती है। जैसे बाबरी अयोध्या की घटना घटती है, क्या होता है कि उस समय जो बीजेपी
सेक्रेटरी जैसे आडवाणी जी को आप कह सकते हैं। तो इन्होंने खासतौर पे वीपी सिंह से इन्होंने कहा हमें सहायता करो, वीपी सिंह ने सहायता नहीं की, बीजेपी ने इसको सपोर्ट किया था, वीपी सिंह को समर्थन दिया था, अरे समर्थन इन्होंने वापस लिया, वीपी सिंह की सरकार गिर जाती है। क्लियर हो गया? तो इस तरह से हमारे पास ये जो चुनौती भरी पल जो था, ये 1990-91 का जो दौर था, ये बहुत ज़्यादा स्थिति खराब पैदा हो रही थी। इसके बाद वाला और आगे प्रॉब्लम क्रिएट होगा जब राजीव गांधी का कत्ल होगा। अब भारत का आर्थिक इकोनॉमी जो होगा, वो इकोनॉमिक जो हम लोग स्लोडाउन बोलते हैं, इकोनॉमिक हमारा क्राइसिस आगे आने वाला, जो हम पहले भी पढ़ाया होगा। ठीक है, तो चलो फटाफट लिखते हैं 7th 5-year plan। प्रभाकरन मैंने सी बात, हमें इंडिया का था जो लिट्टे करने था, हाँ भाई तमिल था, कहाँ कर रहा है सर श्रीलंका का सपोर्ट, वो अपना लिट्टे सेना की समर्थन कर रहा था कि सिंहली के कर रहा था, सिंहली से तो लड़ाई चली, पूरी कहानी खत्म अभी तक नहीं समझ में आया कहाँ दीवार। अभी हमने क्या क्या बता दिया और कुछ मतलब सुन भी नहीं करते हो, कहाँ डाउट, इसमें डाउट वाली तो बात हम तो बार बार बोल रहे हैं कि लिट्टे और दोनों के बीच में लड़ाई हुई, लिट्टे और लिट्टे का नेतृत्व कौन कर रहा है, प्रभाकरन, तो ये किसकी है सामने तो दिख रहा है फिगर, फिर कहाँ से आया कब प्रॉब्लम, अरे सामने तो तुमको दिख रहा है लिट्टे का नेतृत्व कौन कर रहा है, पढ़ेगा तब तो सामने सुनेगा तब तो, दिमाग तो रोड पर है, लिखेंगे साहब तनी क्लास में आयो तो तनी पढ़ाई करो, लिखेंगे सातवां पीरियड क्या है हमारा 85 से 90, उद्देश्य में लिखेंगे पहले शॉर्ट में उद्देश्य से, देश में उत्पादन में बढ़ोतरी करना, उत्पादन में बढ़ोतरी करना और रोजगार के अवसर पैदा करना, और रोजगार के अवसर पैदा करना, इसके साथ ही साथ इसका इतिहास लिखवा दें क्या क्या घटना घटी, इसके साथ ही साथ चलो आज इतिहास लिखा देता हूं तुम लोगों पंचवर्षीय योजना में क्या क्या लिट्टे के साथ क्या हुआ। ठीक है, इसके साथ ही साथ नई तकनीकी उन्नत तकनीकी का प्रयोग करके, नई तकनीकी उन्नत तकनीकी का प्रयोग करके उद्योगों की उत्पादकता के स्तर को बेहतर करने पर जोर दिया गया। अवसर क्या लिखा था, उत्पादकता के स्तर को बेहतर करने पर जोर दिया गया। लिखेंगे इसका लक्ष्य कितना था, 5.0%, लक्ष्य 5.0%, प्राप्ति 6.01%, सफल या असफल, सफल, गुड, 6.01%। अब इसमें बाबू लिखेंगे कुछ योजना, कौन कौन योजना इसमें हमारी आई, कुछ कुछ योजना को हमने शुरुआत किया। योजना नंबर एक लिखेंगे इंदिरा आवास योजना। आगे लिखेंगे नेहरू रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना, जी साहब नेहरू रोजगार योजना हो गई। अब हम लोग लिखते हैं कि इसमें और क्या क्या घटना घटी। आप लोग को ये भी पता होनी चाहिए कि जब सरकार हमारे यहाँ उथल पुथल चल रही थी, तो 1985 से 90 तो चला, लेकिन आपको ये पता होनी चाहिए कि 1990 से लेकर के 1992 तक पुनः हम फिर एक वर्षीय योजना को लाया था, ये याद रखिएगा। एक वर्षीय योजना मतलब 1990 से 1991, फिर 1991 से
92 तक ये चला। अभी तक भारत में कितने हमारे एक वर्षीय योजना चले, कहाँ कहाँ से बताए थे? पहली बार कब चला था? 69 तक। फिर दूसरी बार कब चला? 78 से लेकर के 1980 तक। और तीसरा बार, यानी पूरे भारत के प्लानिंग कमीशन में या पंचवर्षीय योजना में 3 times ऐसे हुए। तो जो 1969 से ले 1966 से जो 1969 था, इसको क्या नाम दिया गया था? योजना अवकाश। और जो 1978 से 80 था, इसको क्या नाम दिया गया? रोली अनवरत योजना। क्लियर हो गई? तो ये भी हमें एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कुल हमारा जो टोटल 12 पंचवर्षीय योजना आए, ये टोटल 12 पंचवर्षीय योजना में अभी तक कितने बार एक वर्षीय परियोजनाएं, एक वर्षीय योजनाओं को श्रीगणेश किया गया? तो तीन बार याद हो गया। 66 से 69, 78 से 80 और 90 से 92। क्लियर हो गई? अब आइए कहानी, ये सभी को हम कहानी लिखवा देते, तो क्या क्या हुआ घटना अलग है, तभी तो लिखवाया साहब। आगे इसको भी एक वर्षीय योजना बोलेंगे। अब इसमें क्या क्या होती है ध्यान देना। ये जो हमारा दौर था 1990 का दौर हुआ, इस 90 के दौर में हमने क्या किया, इससे पहले यदि देखा जाए तो 1964 में 1964 में हमारे यहाँ IDBI का गठन किया गया था। बैंकिंग में पढ़ाया होगा, क्या नाम था? IDBI यानी इंडस्ट्री रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी जो स्थापना की गई थी, यह उद्योग जो हमारी थी, उद्योग को ये ऋण मुहैया कराने के लिए इसको कराया गया था, जिससे कि औद्योगिक गतिविधि को अंजाम दिया जा सके। लेकिन इस पर इतनी ज़्यादा बर्डन, क्योंकि भारत में हमारा MSME का कॉन्सेप्ट चलता है, सुने होंगे, यानी हमारे यहाँ लघु भी है, मध्यम भी है और सूक्ष्म भी है। तो इस तरह से हमारे पास चुनौती थी। अंत में जो IDBI बैंक जो थी, जो उद्योग कर रही थी, अब इसी को हमने दो भागों में तोड़ दिया। तो एक हमारा बड़ा उद्योग के लिए हमने बना दिया, तो बड़ा उद्योग का जो सेवा देगा वो कौन देगा? IDBI। और एक जो हमारा सूक्ष्म एवं मध्यम जो उद्योग होंगे, या सूक्ष्म और लघु जो उद्योग होंगे, इसको कह सकते हैं लिक्विडिटी देने के लिए, तरलता देने के लिए हमने 1990 में SIDBI का स्थापना कर दिया। किसकी स्थापना कर दी? SIDBI का स्थापना किया। SIDBI का फुल फॉर्म होता है बाबू, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना बाबू 1990 में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में इसको किया गया, यानी UP में किया गया। ये लिख लेना, बार बार एग्जाम में पूछाएगा, पूछता होगा कि SIDBI की स्थापना कब हुई तथा कहाँ हुई। पूछा है एग्जाम में कभी? टेस्ट सेट मारे हैं, क्वेश्चन मिला है? पक्का मिला होगा, तो ये दोनों आपसे पूछेगा। क्लियर हो गया? आगे बढ़ेंगे तो फिर मैं कहानी लिखाऊंगा। यहाँ क्लियर हो गई? अब आपको मैं एक कहानी लिखवा देता हूँ कि चंद्रशेखर की सरकार में क्या हुआ, VP सिंह की सरकार क्या हुआ, राजीव गांधी के कैसे कैसे लिट्टे के कारण भारत और श्रीलंका के बीच में संबंध भी खराब हुए। संबंध खराब हुआ कैसे? यहाँ से शांति सेना के लिट्टे, और लिट्टे पर वो अटैक कर दिया, लिट्टे ने हमारे देश के प्रधानमंत्री पर आत्मघाती हमला कर दिया। क्लियर हो गई? तो क्या दोनों देश के बीच में संबंध अच्छे रहे होंगे? नहीं रहे होते। पूरी कहानी ये बता देता हूँ, लिखवा ही देता हूँ, जीवन में भुलाना नहीं। तो चलो आगे, अब लिखो कहानी क्या हुई, डायरेक्ट लिख लेना, हिंदी में लिखो इस दौर की पृष्ठभूमि या इस दौर के भारत श्रीलंका संबंध, इस दौर के भारत श्रीलंका संबंध। आने वाले भविष्य में यदि आपको मेंस में लिखना होगा, ये बहुत काम कर जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये दोनों के बीच में क्या क्या हुए, ये सारे चीज़ों को हम लिखेंगे। जून 1991 का बात था, या जून 1991 तब, जून 1991 तब देश में चंद्रशेखर
जी की सरकार थी, तब देश में चंद्रशेखर जी की सरकार थी, देश का विदेशी मुद्रा का भंडार खाली होने वाला था, देश का विदेशी मुद्रा का भंडार खाली होने वाला था। थोड़ा सा याद कर लो, मैंने आपको पढ़ाया था कि जो 1991 का जो हमारा इकोनॉमिक जो क्राइसिस थी, ये क्राइसिस होने के कारण क्या क्या थे याद है कुछ? पहला था इराक जो था, उन्होंने कुवैत पर क्या कर दिया था, अटैक कर दिया था। ये दोनों छुड़छुड़िया पड़ाखा खेल रहे थे। और हमारे देश में भारत ऑलरेडी आज यदि हम इस स्थिति में है तो 1990-91 में हमारी क्या स्थिति रही होगी? एकदम हम कमज़ोर रहे होंगे, अल्प विकसित रहे होंगे, विकासशील अभी हुए, उस समय अल्प विकसित थे, सीधी सी बात है। जहां पर आज की यदि हम बात करते हैं, हम 2022-23 की बात करते हैं, तो आज हमें पर डे एक दिन में जितना पेट्रोल और डीजल हमें जो यूज करना होता है, मान लिया जाए कि हमें एक दिन में भी भारत को 100 लीटर पेट्रोल यूज करना है, तो 100 लीटर में बाबू 90 लीटर जो अभी हम पेट्रोल ले रहे हैं, ये 90 लीटर हम क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। इंपोर्ट मतलब समझ आती है, दूसरे देश से हम आयात कर रहे हैं, इंपोर्ट मतलब होता है आयात करना, ठीक है। और 10% या 10 लीटर मात्र जो बचा, यह 10 लीटर हमारा भारत का अपना जो तेल कुआं है फुलफिल कर रहा है। इसमें दो ही है, नहान सेवा के नाम सुना होगा, डिगबोई के नाम सुना होगा, सुना है ना। तो हमारे भारत में दो जगह ये हैं, एक है हमारा डिगबोई, और डिगबोई कहाँ है बाबू, असम में है, और एक हमारा है नहान सेवा, ये कहाँ है, ये हमारा मुंबई में है। तो ये दो जगह से हमारा मात्र 10% कह सकते हैं टोटल यूज का, हमें 10% ही कच्चा पदार्थ या पेट्रोल हम भारत से सेटिस्फाई कर पाते हैं, 90% हमें किसी दूसरे देश से लेना होता है। यही समस्या उस दिन था, अब इन्हें क्लियर हो गई। तो आज जब हम इस लेवल में आए हैं, तो अब हम 10% खत्म किए हैं खाली निर्भरता, उसमें तो टोटल हमारा 100% इसका मतलब था ना। अब ये दोनों आपस में लड़ने लगे, तो क्या तुम्हें लगता है कि यहां से डीजल पेट्रोल भारत ऐसे राष्ट्र में आ रहा होगा? नहीं आया। अब नहीं आने का कारण क्या हुई, दोनों के बीच में जब मान लेते हैं कि आक्रमण एक दूसरे पर कर दिया, तो समस्या क्या हुई कि यहां से कच्चा तेल भारत ऐसे गरीब राष्ट्रों को आना मुश्किल हो गया। अब मुश्किल होने के कारण क्या हुए, अब मुश्किल से क्या होगा, मुश्किल से हुआ हमारे यहाँ कि महंगाई बढ़ गई। क्या हुआ, महंगाई जिसको इन्फ्लेशन बोलते हैं, ये दिन प्रतिदिन क्या हो गए, हाई हो गए। दूसरी बात क्या हुई कि हमारे यहाँ बेरोजगारी जो थी, ये बेरोजगारी चीख चीख करके बोलने लगा कि भाई अब हम आउट ऑफ सर्विस हो रहे हैं। तीसरी प्रॉब्लम क्या हुआ, आइए, तीसरी प्रॉब्लम क्या हुआ कि हमारे देश की जो मुद्रा थी साहब, ये मुद्रा का हमारा क्या हुआ, डिवेल्यू हो गया। डिवेल्यू समझते हो ना, यानी मुद्रा हमारा जो साख था, इसका जो वैल्यू था, वो दिन प्रतिदिन क्या हो गए, गिरते गए, यानी कह सकते हैं कमज़ोर होते गए। चौथा प्रॉब्लम, जो हमारे यहाँ पर्यटक आते थे, पर्यटक यानी विदेशी, यह धीरे धीरे आना क्या कर दिए, बंद कर दिए। मैंने क्लियर हो गया। अब इससे हमारा लगा कि देश की जो हमारा आर्थिक स्थिति थी, वह दिवालिया के कगार पर, मतलब बहुत दयनीय स्थिति में साहब हम आ चुके थे। ऐसा लग रहा था कि देश आज न कल डूब जाएगा, क्योंकि मात्र अभी हमारे पास विदेशी मुद्रा जो बच गए थे, मात्र लगभग 124 डॉलर बिलियन में हमारे पास बचा हुआ, जो लगभग 2 सप्ताह का हम इंपोर्ट करने वाले थे विश्व में। 2 सप्ताह के अंदर भारत जो थी पूरे दुनिया से दिवालिया होने के कगार पर आ गया था। इस स्थिति से बचने के लिए भारत सरकार ने बहुत सारी कदमें उठाई। सबसे पहला तो कदम देखें तो हमारी गवर्नमेंट जो थी, यदि हम बात करते हैं तो वीपी सिंह की बात करें, और उसके बाद नया जब देश के प्रधानमंत्री बने तो पीवी नरसिम्हा राव बने 91 में। टोटल इस दोनों सरकार की अध्यक्षता में, या दोनों जब थे हमारे देश में, हम भारत का जो आरबीआई के पास जो हमारा रिजर्व सोना होता है साहब, कहा जाता है कि हमारे घर के बेटी बहन का जो सम्मान इज्जत होता है, क्या होता है, गोल्ड होता है ना। तो देश का भी तो लिक्विडिटी हमारा गोल्ड ही रहा होगा। इस समय हम लगभग 67 टन यानी 67 टन, याद रखना, हम 67 टन हम अपने देश का सोना जो आरबीआई के पास जमा था, इस जमा में से हम 67 टन सोना को बेच दिया। और इसमें से
यदि देखा जाए तो 40 टन जो सोना बेचने वाली इस सरकार थी या बीपी सिंह की सरकार रही, और 47 टन और 20 टन, 47 टन जो सोना बिके ये बीपी सिंह की अध्यक्षता में बिके, और 20 टन जो हमने सोना बेचा वो पीवी नरसिम्हा राव के से बेचे, और ये पूरा 67 टन जो सोना खरीदने वाला था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दो ही देश थे, एक था सेंट्रल बैंक ऑफ इंग्लैंड और एक था सेंट्रल बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड। क्लियर हो गई, दोनों देशों के बैंकों ने मिलकर भारत के 67 टन सोना खरीद लिए। और इसके एवज में हमें मिला क्या, इसके एवज में मिला मुझे मात्र $400 मिलियन। कितना मिला? $400 मिलियन। और ऐसी स्थिति उस समय हुई कि जब हम इसको सोना को ले जा रहे थे एयरपोर्ट पे तो गाड़ी भी पंचर हो गया था। खैर आज के डेट में मुर्गा मुर्गी की गाड़ी पंचर हो जाती तो लोग मुर्गा मुर्गी ढोने के लिए लूटने के लिए दौड़ जाते हैं, लेकिन उस समय इतनी आत्मीयता थी, लोग ईमानदार थे कि सोना लूटने के लिए नहीं दौड़े, और अंततः फिर बैलगाड़ी से एयरपोर्ट तक पूरी सोना को पहुँचाया गया और दूसरे देशों में जाकर हम बेचे। ऐसी हमारे पास स्थिति हो गई थी, और ये दौर हमारा राजनीति भी स्थिति खराब थी, आर्थिक भी खराब थी, और सामाजिक स्थिति भी बहुत खराब हो चुकी थी। ऐसी स्थिति से निकलने के लिए भारत के पास कोई समस्त जगह नहीं थे। भारत पहले तो IMF के पास गया, वर्ल्ड बैंक, दुनिया में जितने भी बड़े बड़े संस्थान थे वे सारे संस्थानों के पास हमने गया कि हमें भाई मदद करो, देश को डूबने से बचाओ, जिस तरह से आज पाकिस्तान कर रहा है। समझ आया, यह स्थिति आज पाकिस्तान के साथ है तो हमारे साथ भी स्थिति 1991 में था, लेकिन किसी ने हमारी मदद नहीं की। अंत में अंतर्राष्ट्रीय हम पे प्रेशर बने, और अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर यही बने कि आप अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म करो, और इकोनॉमिक रिफॉर्म करते हुए हम 1991 में फाइनली पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, इन्होंने देश में एक नए वित्त मंत्री का गठन किया, और उसमें वित्त मंत्री SMS आए, सरदार मनमोहन सिंह को बैठाया गया, और इनकी सूझबूझ में हम अपने आर्थिक गतिविधि को नया रूप दिया, और उसे हम बोलते हैं निजीकरण, उदारीकरण तथा वैश्वीकरण, यानी LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। और वहाँ से हमारे भारत की अर्थव्यवस्था का एक नया रूप मिला, जहाँ पर हम FDI के लिए दरवाज़ा खोल दिए, जहाँ पर हम लाइसेंसी राज को ख़त्म कर दिए। आई थिंक ये सब हम इंडस्ट्री में पढ़ाए हैं, नहीं ना अभी हैं तो आगे हम इंडस्ट्री में सब भी पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो ये हमारे पास साहब स्थिति बन गई थी। क्लियर हो गया, तो अभी तक की इतिहास में यदि भारत के इतिहास में देखते हैं तो इतने विकराल रूप आज तक भारत को नहीं देखने को मिला जो 1991 में मिला। फिर थोड़ा सा आया था प्रॉब्लम 2007-08 में, फिर आप सुना होगा, तो 2007-08 में जो आया था ये अमेरिकी डॉलर का डिवैल्यू होने के कारण पूरे दुनिया पर इसका प्रभाव पड़ा। दुनिया में सबसे पहली बार यदि आर्थिक मंदी की दौर चली, जिसको हम लोग महामंदी के दौर कहते हैं, वह 1929-30 का दौर था। क्लियर हो गई, यानी 1929-30 के दौर के बाद यदि पूरे विश्व में और खासतौर पर भारत पर जो सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा यह 1991 में पड़ा, और इसके कारण इतने सारे थे। इराक, कुवैत तो सबसे पहला ये रहा, क्योंकि भारत ऐसे गरीब, जैसे आज की डेट में देख लो, आज कल एक साल पूरा हो गया है रसिया और यूक्रेन का, हुआ ना, तो ये रसिया यूक्रेन के युद्ध से ना केवल भारत ऐसे छोटे राष्ट्रों को प्रॉब्लम हुआ, बल्कि विश्व के बड़े बड़े राष्ट्र बर्बाद होने वाले हैं। जैसा कल का रिपोर्ट के आधार पर मैं बता सकता हूँ कि इंग्लैंड की सरकार ने कल ये अनाउंसमेंट दिया है कि एक व्यक्ति एक बाजार से 2 आलू और 1 टमाटर ही खरीदेगा, इससे ज़्यादा नहीं खरीद सकता। खैर भारत बहुत अच्छे परिस्थिति में अभी भी है, क्योंकि अभी भी हम जाते हैं तो सीधे अभी भी बोला जा रहा है बाजार में कि 30 रुपये पसेरी टमाटर है ना, यानी यहाँ अभी भी पसेरी है, लेकिन लंदन में यह कल लिमिट कर दिया गया है। अब क्वेश्चन होता है, आप लोग को भी सोचना होगा, आगे हम वीडियो इस पे बनाने वाला हूँ कि आखिर सब्जी ही बाजार से क्यों उठते जा रहे हैं। आप देख रहे होंगे पाकिस्तान का सब्जी का हालात यही हाल है, और लंदन जहाँ पर दुनिया ने के सामने उन्होंने सबसे पहला औद्योगिक क्रांति का जन्म दिया, पूंजीपति सबसे ज़्यादा वहाँ पर है, कैपिटलिज्म वहीं पर है, आवाज़ उसके यहाँ यह अनाउंसमेंट सरकार करती है कि एक व्यक्ति 2 आलू से ज़्यादा और 1 टमाटर से ज़्यादा बाजार से नहीं खरीद सकता है। एक व्यक्ति, हाँ 2 आलू, एक दिन में एक व्यक्ति 2 आलू और 1 टमाटर से ज़्यादा नहीं खरीद सकता। क्यों? करना तो पड़ेगा ना, तो कहीं ना कहीं ये चुनौतियां, लेकिन भारत में तो ऐसा नहीं है। उसके बावजूद लोग बोलते हैं कि भारत में हम लोग गाली देते हैं देश के प्रधानमंत्री को। अरे ये तो कल आप स्टैनफोर्ड का आप रिपोर्ट पढ़िए, स्टैनफोर्ड का रिपोर्ट में क्या आया है, उन्होंने तो साफ कहा कि मानना पड़ेगा कि भारत इस स्थिति में भी अपने आप को काबू में रखा, और भारत ने जैसे सबसे बड़ा सपोर्ट किया है कोरोना में ऐसी स्थिति में, तो ये हमारा एग्रीकल्चर सबसे बड़ा रहा। इसीलिए हमें एग्रीकल्चर, जितने देशों ने एग्रीकल्चर को
भूल गया, खाली इंडस्ट्री गया, वो आज के डेट में सरेंडर होने के कगार पे आ गए हैं, वो मरता क्या नहीं करता के आधार पे आ गए हैं। लेकिन भारत को यदि कोई आत्मनिर्भर रियल में बनाया तो हमारा एग्रीकल्चर है। सोचो कि ये 3-4 साल जो हमारा कोरोना है इसमें हम 80 करोड़ लोगों को तो फ्री में खिला रहे हैं, जिसको हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहते हैं। सुने हो ना, हर महीना जो बांटा जाता है कितना, 80 करोड़ लोगों को। इस पर आज मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, ठीक है। अब क्वेश्चन होता है कि आखिर दुनिया का मार्केट से सब्जी ही क्यों गायब हो रहा है, दिस इज द क्वेश्चन। इंग्लैंड ऐसे टाउन में अब आदमी को ये प्रतिबंध लगा दिया गया कि 2 आलू से ज़्यादा नहीं खरीद सकते, 1 टमाटर से ज़्यादा आप नहीं खरीद सकते। लेकिन हम लोग तो खैर बाजार में जाते हैं तो टमाटर खरीदते खरीदते 2 को खा जाते हैं बेचारे को, गलत तो नहीं ना बोला, ये हालात है। तो सोचिए आज हम कहाँ पर हैं और इतने बड़े बड़े देश कहाँ कंगाल हो गए हैं। हमें अपने देश पर फख्र तो जरूर करना चाहिए, ओके। तो ये दौर हमारा 1991 में था, अब हमें नहीं लगता है कि ऐसा दौर आएगा। लेकिन हाँ, यदि हम अपने आप को सचेत नहीं होंगे, खुद को कंट्रोल नहीं करेंगे, तो भविष्य सबके साथ इस तरह से विकराल रूप ले सकता है। और इसके लिए सबसे बड़ा विकराल रूप लेगा जब हम अपने प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करेंगे। इसका बेस्ट एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ जो श्रीलंका के हालात अभी बने हुए हैं, पाकिस्तान के हालात बने हुए हैं, भारत में भी अभी भारत सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट जो है भारत के 12 राज्यों को फंडिंग बंद कर दिया है, क्योंकि इनको साल एक साल में लेना था 100 रुपया, इन्होंने 3-3 हज़ार लोन ले लिए हैं, अभी तक 1 रुपया नहीं सरकार को रिटर्न किए हैं। क्लियर हो गई। इस तरह से भारत सरकार भी इस पर एक्शन लिया, जरूरी था, क्योंकि वोट बैंक के लिए हम कहीं ना कहीं सरकार से उस देश से लोन ले लिया, जनता के बीच में वोट लेने के लिए हम मनमाने ढंग से उसको बांटना चालू कर दिया। लेकिन न तो देश की भलाई हुआ, न तो समाज की भलाई हुआ, न आर्थिक गतिविधि में हम कुछ कर पाए, न हम कर सकते एजुकेशन को अच्छे कर पाए। और इस पर एक नए नियंत्रण होना चाहिए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी कटाक्ष किया था 1 महीना पहले, कि इस तरह के रेवड़ी की तरह ये बांटना हम जनता में सही नहीं है। और इसके लिए सबसे बड़ा दोषी वो सरकार हो सकती है यदि हम अर्थव्यवस्था, क्योंकि हम इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं, हमें सामाजिक हम बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि देश अर्थव्यवस्था से चलता है, समाज से नहीं चलता है, सीधी सी बात है। तो अभी हमें चीज़ों को स्टडी करना होगा कि फ्री में जितने भी चीज़ें दिया जा रहा है लोग लुहा बने, ये सारे गलत हैं। कोई कहता है हमारी सरकार आएगी तो हम मोटरसाइकिल दे देंगे, तो 5 लीटर तेल दे देंगे, सुना होगा राजस्थान में भी कहा गया, लैपटॉप दे देंगे। ये जितने भी वर्ल्ड में डेवलप्ड कंट्रियाँ हैं वहाँ पर कोई चीज़ फ्री नहीं है। ममता दीदी ने भी बहुत सारी फ्री कर दी है, बिहार सरकार भी बहुत सारे फ्री किया, उस समय अखिलेश यादव की सरकार में आपने सुना होगा लैपटॉप और टैब ये सब दिया जा रहा था। आखिर ये अपने घर से दे रहे हैं, भारत सरकार से ले रहे हैं क्या लोन, और लेके आम जनता में बांट रहे हैं लोक लुभावना, और उससे फ़ायदा देश का हो रहा है क्या? क्या जनता का फायदा आज तक हुआ नहीं? जो पढ़ना चाहिए था बच्चा बैठ कर खेसारी लाल यादव का टीवी देख रहा है, यूट्यूब पर देख रहा है, पढ़ा कहाँ? और उसमें से आप भी होंगे, हम भी होंगे, खैर हम नहीं हैं, हमको इससे मतलब नहीं है, आप जरूर होंगे, क्योंकि वो का बाबू साहब पीछे से बोलते हैं कि क्या करे सर, क्लास खूब छोड़ देता है, अभी काम नहीं करता दिमाग, शादी उदी हो गया है तब कौन काम रहता है, अभी अनमैरिड में तुम्हारे इतना काम है, शादी के बाद तो तुम्हारे काम ही नहीं खत्म होगा यार। तो चलो अब लिखते हैं कहानी क्या क्या हुआ है ना यहाँ। अच्छा तो खाली होने वाला था, तो एक कहानी खाली क्या होना था, कितना था, ये समझ में आ गई, ये क्लियर हो गया। उस समय हमारे पास कितना फॉरेक्स बचा हुआ था, बस 1 से 2 सप्ताह में हम सरेंडर होने वाले थे, लेकिन नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह के सूझबूझ ने देश को बचा लिया। नहीं तो आज जो पाकिस्तान के हालात है, कल इस पे भी आया कि चीन ही बचा सकता है पाकिस्तान को, हाँ, क्योंकि यूरो का भी बर्डन इस पे सबसे ज़्यादा है। IMF तभी इसको अब लोन देगा जब इसके सपोर्ट में कोई देश जो लोन दिया है वो कहेगा कि ठीक है हम इसे नहीं लेंगे, और चीन कभी ये बोल ही नहीं सकता है, ठीक है। चीन कभी नहीं कह सकता है कि पाकिस्तान जो तुमको हमने दिया है हम तुमको छोड़ दे रहे हैं, मानवता के नाते छोड़ रहे हैं, कभी कहीं नहीं सकता, क्योंकि वो अभी भी लगल होगा कि कम से कम उसका लाहौर शहर हमारे नाम हो जाए, ठीक है। तो अब समस्या बहुत बड़ा और विकराल रूप लेने वाला है, तो लिखेंगे आगे पॉइंट, अब लिखिएगा बाबू, हालात बिल्कुल खराब हो चुके थे, तब भारत दुनिया में 3रा सबसे कर्जदार देश था,
तब भारत दुनिया में तीसरा सबसे कर्जदार देश था। इतने बड़े इतिहास करा रहा हूं कि आप लोग याद रख लेना। तीसरा सबसे बड़ा कर्जदार यानी कर्ज खोर कह सकते हैं ना, तीसरा थर्ड सबसे बड़ा कर्ज खोर। अब कहो कुछ नहीं समझ में आए तो, कर्ज खोर देश था उस समय भारत पर 72 उस समय भारत पर 72 अरब डॉलर 72 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज था। आज तो खैर और बहुत ज्यादा बढ़ गया है, 72 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज था जो 31 मार्च 2022 तक, अब कितना हो गया, 31 मार्च 2022 तक भारत पर विदेशी कर्ज 620.7 बिलियन डॉलर हो गया है। 620.7 बिलियन डॉलर हो गया है, अमेरिकी डॉलर हो गया है। वहीं यह मार्च 2021 में मात्र 573.7 बिलियन डॉलर कर्ज था। सोचो 91-92 में कितना हमारा था विदेशी कर्ज, 72 अरब। ध्यान देना, 21 में कितना हो गया, 573.7 बिलियन, और 22 में कितना हो गया, 620 पॉइंट। क्या आपको लग रहा है कि हम कर्ज घटा रहे हैं, कर्ज बढ़ते जा रहा है, कर्ज बढ़ते जा रहे हैं, घट नहीं रहा है। तो आज के डेट में आपके सामने फिगर में दे रहा हूं। ओके, आगे पॉइंट लिखो। हाँ, जो पिछले डॉलर से लगभग 8.2% अधिक है, जो पिछले कर्ज से लगभग 8.2% अधिक है। ब्राजील और मेक्सिको के बाद जो पिछले मतलब 2021 के विदेशी कर्ज से 8.2% अधिक है। मेंस में काम कर जाएगा लेकिन याद रहेगा तब तो, हम तो पूछबे करेंगे। ब्राजील और मेक्सिको के बाद हम मतलब भारत दुनिया के तीसरे सबसे बड़े कर्जदार देश थे। सबसे बड़े तीसरे कर्जदार देश थे। इराक और कुवैत का विवाद, इराक और कुवैत का विवाद, कच्चे तेल की कमी, पर्यटकों को भारत न आना, भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन हो जाना, भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन हो जाना, बेरोजगारी बढ़ना, गरीबी का विकराल रूप लेना, गरीबी का विकराल रूप लेना आदि आदि 1991 का आर्थिक संकट के मुख्य कारण रहे। आदि 1991 के आर्थिक संकट के मुख्य कारण रहे। यहां तक क्लियर हो गया इतना? अब मेंस में इतने डिफाइन कर लोगे? अंकित, क्या नाम है, अनमोल, लिख लोगे?
अच्छा, तो हम खड़ा करके यहाँ बोर्ड पे पढ़ावाएंगे, आपको पढ़ाना होगा, हम बैठ के पढ़ेंगे, ठीक है। आगे नेक्स्ट पॉइंट, उस समय देश में चंद्रशेखर की सरकार थी, वह नवंबर 1990 से जून 1991, चंद्रशेखर की सरकार थी, उस समय चंद्रशेखर की सरकार थी, उस समय नवंबर 1990 से जून 1991, जून 1991 तक लगभग 7 महीना, लगभग 7 महीना वह देश के प्रधानमंत्री रहे, लगभग 7 महीना वह देश के प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद आई नई सरकार पीवी नरसिम्हा राव की, ने देश की आर्थिक तस्वीर को ही बदल दिया। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार आई जिसने देश की तस्वीर ही बदल दिए, हालांकि 90 के दशक के आखिरी में, जब देश ने बाहरी दुनिया के लिए, हालांकि 1990 या 90 के दशक के अंतिम समय में, कलम को भी तेज करो, इतना डेफ पढ़ना है तो कलम तेज करना होगा, है ना। अंतिम समय में जब देश ने बाहरी दुनिया के लिए अपना बाजार, खोल दिया और नई आर्थिक नीतियां बनाई, तो हमारा विदेशी मुद्रा का भंडार, पुनः तेजी से भरने लगा। एग्जाम में बार बार मेंस में पूछता है 1991 का आर्थिक संकट को उल्लेख करें, आता है ना। और इसी के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था में एक नया ऊर्जा का उदय हुआ, अगला पॉइंट, खाड़ी देश में अर्थात अंतर्राष्ट्रीय समस्या, जिसके कारण दुनिया में तेल के दाम आसमान छू रहे थे,1990-91 में भारत को जो पेट्रोलियम आयात, का बिल 2 अरब डॉलर
आयात 2 अरब डॉलर थी या की उम्मीद थी, आयात का बिल 2 अरब डॉलर होने की उम्मीद थी या शंका थी, लड़ाई के कारण यह दोगुने हो गए या दोगुने से बढ़कर, ऐसे कर लीजिएगा, लड़ाई के कारण दोगुने से बढ़कर 5.7 अरब डॉलर हो गया, 5.7 अरब डॉलर हो गया, 5.7 अरब डॉलर हो गया। आगे लिखेंगे 1989 का लोकसभा चुनाव, कारण भी एक रहेगा, 1989 का लोकसभा चुनाव लिखेंगे, 1989 के आम चुनाव में, 1989 के आम चुनाव में किसी भी दल का स्पष्ट बहुमत नहीं मिल सका, स्पष्ट बहुमत नहीं मिल सका। कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीटें मिली, कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीटें मिली, लेकिन बहुमत से बहुत पीछे थी, लेकिन बहुमत से काफी पीछे थी। तब कांग्रेस के नेता राजीव गांधी थे, तब कांग्रेस के नेता राजीव गांधी थे, 197 सीट कांग्रेस को मिलने के बाद भी गठबंधन की सरकार बनाने से इनकार कर दिए, गठबंधन की सरकार बनाने से इनकार कर दिए, और इसका परिणाम यह हुआ, और इसका परिणाम यह हुआ, इसका परिणाम यह हुआ कि कांग्रेस के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी जनता पार्टी या जनता दल ने, कांग्रेस के बाद दूसरा सबसे बड़ा पार्टी जनता दल ने विश्वनाथ प्रताप सिंह की अध्यक्षता में या नेतृत्व में, दूसरी सबसे बड़ी पार्टी या दल जनता पार्टी विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार बनाई, जहां जनता पार्टी या जनता दल की 143 सीटें मिली थी, जनता दल की 143 सीटें मिली थी, वहीं 85 सीटें बीजेपी की थी, वहीं 85 सीटें बीजेपी की थी, गठबंधन सरकार बन गया, ये भी एक कारण बना, हो गया। इसके बाद फिर आपने सुना होगा अयोध्या और रथ यात्रा निकला था, आडवाणी जी के जो कहानी बताए, ये सभी कारण बने। अब हम डायरेक्ट डेटा पे आता हूँ, ठीक है, अब आगे लिखेंगे। आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट लिखेंगे। तब भारत में आईएमएफ के सामने अपना मांग रखा,
आईएमएफ के साथ थोड़ा कलम भी तेज करो, दिमाग को भी तेज रखो, सिविल की तैयारी करो, ग्रुप डी की नहीं कर रहे हो। आईएमएफ के सामने अपनी मांग रखा और वहां से लगभग 1.27 अरब डॉलर का कर्ज मिला, लेकिन इससे देश की अर्थव्यवस्था को ऊर्जा देने में बहुत ताकत या ऊर्जा देने में सक्षमता नहीं थी, फलतः देश दिवालिया के मार्ग पर चल पड़ा था। पैसा मतलब विदेशी मुद्रा आखिरकार चंद्रशेखर की सरकार ने 47 टन सोना गिरवी रखने पर मजबूर हो गया जिससे विदेशी कर्ज की अदायगी की जा सके और फिर नई सरकार को अदायगी किया जा सके। फिर नई सरकार ने भी लगभग 20 टन सोना चंद्रशेखर ही होगा तथा नई सरकार नरसिम्हा राव की या नरसिम्हा राव में लगभग 20 टन सोने को गिरवी रखना पड़ा और इससे प्राप्त कुल $400 मिलियन से अर्थव्यवस्था में जान फूंकने की कोशिश की गई ते हमारा दौर साहब जो था बड़ा विकराल था, बहुत दर्द भरी भारत के लिए दौर था। अब हम लोग पढ़ेंगे आठवीं पंचवर्षीय योजना। अब आठवीं पंच हाँ कुछ बोलना है, दोनों दोनों मिला करके पहले ही लिखवा दिया है। अरे गिरवी का तो बेचने रिटर्न थोड़े आ सका यार, सरकारी भाषा में गिरवी हुई, हमारी भाषा में बेच दिए, समझ आया? आज के डेट में आदमी कोई किसी के यहाँ सोना रखता तो रिटर्न आ रहा है, वो चलिए ना गया तो सोच कौन से बिक गया, तो हमारी भाषा हुई। इतने अभी आपने एक महीना पहले का न्यूज बिहार का देखा था, नवादा का एक परिवार के 8 को लोगों ने सुसाइड कर लिया था, कितने लोग न्यूज पढ़े थे, कारण क्या था, यही था ना, कर्ज उन्होंने पूरा के पूरा
कोरोना के दौर में भी वो इंसान ने उसका इंटरेस्ट देते गया, लेकिन जिन्होंने कर्ज दिया था वो अभी भी कहा कि नहीं अभी तक तुम देवे नहीं किए हो। यहाँ तक कि उनके बेटी बहन पर गंदे गंदे क्लेम शब्द का इस्तेमाल करने लगा, जिसके कारण वो परिवार ने टूट गया और टूटने के बाद कब्रगाह के पास जाके पूरे परिवारों ने आत्मसमर्पण कर सकते सुसाइड कर लिया था। आप लोग न्यूज पढ़े थे, कितने लोग ये न्यूज पढ़े थे, नवादा वाला। तो अभी भी शहर में, गांव में, देहातों में ऐसी स्थिति बहुत ज्यादा है। जो कर्जखोर होते हैं, कर्ज देने वाले होते हैं, वो एक तरह से शोषण करते हैं। अब हम पढ़ेंगे आठवीं पंचवर्षीय योजना, आज खत्म किया जाए। इसका दौर कब होगा? 1992 से लेकर के 1997 होगा, क्योंकि दो साल तक हमने क्या देखा था, भाई अवकाश हमने देखा था। तो ये जो थी साहब, इसमें जो हम सबसे ज़्यादा जो प्राथमिकता दिया वो मानव संसाधन विकास पर दिया। सबसे ज़्यादा हमने प्रायोरिटी किसको दिया? मानव संसाधन विकास पर हमने इसमें सबसे ज़्यादा जोर देने की हम कोशिश किए थे। उसके अलावे हम कह सकते हैं रोजगार तथा शिक्षा और जन स्वास्थ्य जो होता है इसको भी हमें और आगे बढ़ाने की बात हो रही थी, और इस पर हम खास तौर पे इस दौर में 92 से 97 वाले गतिविधि पर हम अंजाम दिए। यही 92 और 97 के बीच में को आता है 1995-1995, जहाँ पर हम खास तौर पे भ्रष्टाचार, जो हमारी बैंकिंग सिस्टम में जो भ्रष्टाचार चल रही थी, बैंकिंग सिस्टम में भ्रष्टाचार को निपटाने के लिए या खत्म करने के लिए हम बैंकिंग लोकपाल जैसी संस्था का गठन किया। बैंकिंग लोकपाल जैसी संस्था का हमने गठन कर दिया 1995 में। इज इट ओके? तो हम कह सकते हैं कि जो 1992 से 1997 का जो दौर था, यह दौर भारत के लिए भी एक सुनहरा कह सकते हैं अवसर प्रदान कर रही थी, क्योंकि इसमें हम कोशिश कर रहे थे कि वैसे क्षेत्र जो हमारा बहुत ज़्यादा अभी भी कमज़ोर है, जहाँ पर अवसर ज़्यादा से ज़्यादा सृजन किया जा सके, आर्थिक सामाजिक गतिविधि को और ज़्यादा कह सकते हैं मजबूत बनाया जा सके, आत्मनिर्भरता जैसी गतिविधि पर हम ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें, ये सभी गतिविधियों पर हम इसमें काम कर रहे थे। और ये हमारा आठवां पंचवर्षीय योजना का दौर रहा। इसमें जो भारत सरकार का सबसे ज़्यादा जो कह सकते हैं फोकस एरिया रहा, वह रहा जो हमारे यहाँ प्रौढ़ शिक्षा का नाम आपने सुना होगा। प्रौढ़ शिक्षा सुने हैं ना, यानी वैसा जिनका उम्र 15 साल से लेकर के 35 साल, जिनका भी उम्र हो रहा है नागरिक का, उन्हें हम क्या करेंगे साहब, शिक्षित करने की बात की गई कि अब हम उनको शिक्षित करेंगे, लिटरेट करने की कोशिश करेंगे। तो यह भारत के इतिहास में हम कह सकते हैं कि यह सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट देखने को मिला, जहाँ से 15 साल से 35 साल के जो लोग थे, जो अभी भी अशिक्षित थे, उनको हम शिक्षित बनाने की कोशिश कर रहे थे। इस दौर में यदि देखा जाए तो भारत सरकार ने अनेक क्रियाकलाप का भी स्थापना किया। जैसे यदि देखा जाए तो 1992 और 1993 के बीच में एक हमारा दौर आता है साहब, और उस दौर को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक 1993 होगा और एक 1994 होगा, और 95 का डेटा हमने समझा दिया। यही 1993 है, यदि देखा जाए तो 1992 के दिसंबर में हमने 73वां संविधान संशोधन किया था, याद करो। अरे 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन कर करके जो हमारा स्थानीय स्वशासन होता है, ध्यान देना, स्थानीय जो हमारी स्वशासन होता है, स्थानीय स्वशासन को हम जन्म देने की कोशिश किए, जहाँ पर लोकल या कह सकते ग्रामीण क्षेत्रों की बात हम करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में हमने क्या पढ़ा, पंचायती राज। क्या बनाया हमने? पंचायती राज की हम स्थापना किए। वहीं यदि शहरी क्षेत्रों की बात करें तो शहरी निकाय के नाम आपने सुना होगा, सुना है ना, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं नगर पालिका, नगर निगम पढ़ते हैं ना, ये चीज़ों को लाया गया। पूरे दुनिया, भारत की बात करें तो भारत में पंचायती राज की स्थापना यदि देखते हैं तो 2 अक्टूबर सबसे पहली बार 1959 को राजस्थान के नागौर में इसकी शुरुआत मानी जाती है, जब भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जाकर यहाँ स्थापित किया था। दूसरा हमारा राजस्थान के बाद, यानी पहला हमारा राजस्थान आता है नागौर, और दूसरा आता है आंध्र प्रदेश। क्लियर हो गई? अब इसमें भी क्या होता है, दो क्वेश्चन बन जाते हैं कि 73वां संविधान मतलब जब हमारा स्वशासन, स्थानीय स्वशासन, खासकर जब हम पंचायती राज की बात करते हैं, तो जब हमारा पंचायती राज को हम एक संवैधानिक दर्जा दे दिए, संवैधानिक दर्जा मतलब 73वां 74वां संविधान संशोधन के तहत जब ले आए, तो भारत में पंचायती राज को या 73वां संविधान संशोधन लागू होने के बाद सबसे पहली बार पंचायत का जो निर्माण हुआ था कर्नाटक में हुआ था। कहाँ हुआ था? कर्नाटक में हुआ था।
लेकिन 73वां संविधान संशोधन खत आने के बाद पहली बार जो इलेक्शन हुआ था वह मध्य प्रदेश में हुआ था। तो क्वेश्चन कैसे घुमाएगा वहां पर डिपेंड करेगा। क्लियर हो गई? देखो कितने सारे हमने क्वेश्चन दाग दिया, कितने याद हुए, कितने इसमें कमेटी, कौन कौन से कमेटी बनी थी, अशोक मेहता और बस ये तो बच्चा बच्चा जानता है। फजल अली से पंचायत में बना था, फजल अली कि राज्य विनिर्माण राज्य पुनर्गठन आयोग के लिए बना था फजल अली। नरसिम्हन कमेटी इसमें बनी थी। कुछ बोल के निकल जाओ और मेरे सामने आओ उसमें भी। और कौन कौन कमेटी रही, लक्ष्मीपाल सिंह भी कभी से कोई संबंध रहा, और कौन सी कमेटी रहा, भारत में कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर चार स्तरीय पंचायत चलता है, कौन, वेस्ट बंगाल मात्र एक है। और कौन कौन से ऐसे भारत के राज्य हैं जहां पर क्षेत्रीय स्तर पर भी यदि देखा जाए तो अनुसूचित जनजाति जो यानी ट्राइबल आयोग भी चलता है, कौन कौन, खाली नागालैंड है, गोवा में क्या है, तो आप करें नॉर्थ ईस्ट में, मध्य प्रदेश में भी नहीं, मध्य प्रदेश में इसमें नहीं है, वहाँ पर जनपद है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में जनपद नाम आता है। चलो ठीक है, तो ये क्लियर हो गई। तो ये हमारा पार्ट जो थी ये हमारा आठवां पंचवर्षीय योजना में रहा। तो आठवां पंचवर्षीय योजना में हम शक्तियों का जो विकेंद्रीकरण होता है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण पर हम ज़्यादातर इसमें काम किए, जहाँ से ज़्यादा सुसंगठित एक्टिविटीज़ को स्थापित करने की कोशिश किया जिससे कि देश की अर्थव्यवस्था सामाजिक आर्थिक गतिविधि को एक सही मजबूती दिया जा सके। क्लियर हो गई? तो शुरू करते हैं आठवां पंचवर्षीय योजना, 8-5 ईयर प्लान लिखेंगे। इस योजना के अंतर्गत देश में सर्वोच्च प्राथमिकता, यस, इस योजना के अंतर्गत देश में सर्वोच्च प्राथमिकता मानव संसाधन का विकास, मानव संसाधन का विकास, रोजगार तथा शिक्षा और जन स्वास्थ्य, शिक्षा और जन स्वास्थ्य, रोजगार, मानव संसाधन विकास, रोजगार, शिक्षा तथा जन स्वास्थ्य पर था। इस योजना के अंतर्गत शिक्षा को बेहतर बनाना, इस योजना के अंतर्गत शिक्षा को बेहतर बनाना शिक्षा को बेहतर बनाना भारतीय अर्थव्यवस्था के क्रमिक भारतीय अर्थव्यवस्था के क्रमिक खोलने के तेजी से बढ़ते खोलने के तेजी से बढ़ते घाटे और विदेशी कर्ज घाटे और विदेशी कर्ज पर नियंत्रण करना तथा जनसंख्या वृद्धि, गरीबी में कमी, रोजगार सृजन बुनियादी ढांचा संस्थागत निर्माण पर्यटन प्रबंधन पंचायत राज या राज पंचायती राज नगर विकास गैर सरकारी संगठन विकेंद्रीकरण
तथा लोगों की भागीदारी को मजबूत करना तथा लोगों की भागीदारी को मजबूत करना तथा लोगों की भागीदारी को मजबूत करना था। क्लियर हो गई? आगे 15 से 35 वर्ष की आयु समूह के लोगों, 15 से 35 वर्ष की आयु समूह के लोगों के बीच निरक्षरता उन्मूलन तथा प्राथमिक शिक्षा का लोगों के बीच निरक्षरता और या निरक्षरता उन्मूलन कर लीजिएगा, निरक्षरता उन्मूलन और प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण ऊर्जा परिवहन संचार ऊर्जा परिवहन संचार सिंचाई को मजबूत करना, सिंचाई को मजबूत करना। आगे लिखेंगे लक्ष्य 5.6% प्राप्ति 6.8% सफल या सफल सफल। हो गया? बोलिए। आगे लिखेंगे लास्ट लाइन कर खत्म करेंगे इसमें। इस योजना के द्वारा उदारीकरण निजीकरण तथा वैश्वीकरण जैसे उदारीकरण निजीकरण तथा वैश्वीकरण जैसे गतिविधियों को प्रबलता दी गई, प्रबलता दी गई। क्लियर हो गया साहब? 8 पंचवर्षीय योजना हमारी खत्म हो गई है। 9th पंचवर्षीय योजना पे मैं आ रहा हूँ, आज समाप्त कर ही दूंगा। ठीक है, ये 1997 से चलेगा, 2002 तक चलेगा, 97 से 2002 चलेगा। इस समय देश के प्रधानमंत्री कौन हो गए? अटल बिहारी वाजपेयी। क्लियर हो गया? यानी नेतृत्व बदल चुका है साहब। तो इस समय हमारे देश के पीएम आ जाएंगे, अटल बिहारी जी आ जाएंगे। और इसी दौर में आपने देखा होगा कि दूसरा सेकंड हमने पोखरण परीक्षण किया था, नाम सुना है ना? दूसरा हमने पोखरण परीक्षण भी किया। और थर्ड जो कारण सबसे बड़ा हुआ, यह कारगिल का युद्ध इसी में हुआ, हुआ ना? कारगिल का वार हमारा इसी पीरियड में हुआ। अब ये इतना सोचने वाली बात है कि इस दौर में हमारी इकोनॉमी जो थी वह सफल रहा होगा या असफल रहा होगा। तो इसमें हमने टारगेट जो किया था, जिसको आप लक्ष्य बोलते हैं, यह 6.5% टारगेट किया था। और जो हमारी प्राप्ति जो हुई थी, यह मात्र 5.5% प्राप्ति हुई थी। यानी सफल तो नहीं हुआ होगा, अब असफल भी बहुत नहीं कह सकते हैं, है ना? 6.5% और 5.5% पर हम आ ही गए हैं, तो बहुत ज़्यादा सफल नहीं है। सफलता के रास्ते पर हम चल रहे हैं। ये जो हमारी योजना थी, इस योजना में हमने काम क्या किया? इस योजना में हम खास तौर पे औद्योगिकीकरण जैसे गतिविधि, तेजी विकास, सामरिक समझ विकास, ये सभी चीज़ों पर हमने काम करना शुरू किया, जिससे कि शहरी और जो ग्रामीण हमारा क्षेत्र था, दोनों का एक समरूप के साथ विकास हो, इस पर हमने काम करने की कोशिश करते हैं। इसके अंतर्गत भारत सरकार ने स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना का नाम आपने सुना होगा। ऐसे बहुत सारे भारत सरकार ने योजना परियोजनाओं का स्थापना किया, जिससे कि लोगों में आत्मनिर्भरता जैसे गतिविधियों को अंजाम दिया जा सके। क्लियर हो गया? अब इस दौर में यदि देखा जाए तो भारत के इतिहास में कुछ हमें प्राप्त भी हुआ है, तो कुछ ऐसे क्षेत्र हुए जहाँ पर हमें कुछ नुकसान भी देखने को मिल रहा है। और इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो हमें फायदा देखने को मिला, वो सामाजिक न्याय के क्षेत्र में हम सबसे आगे बढ़े हैं। क्योंकि इस दौर में यदि देखते हैं आप, 1997 से 2002 के यदि दौर आप देखते हैं,
तो यही 2002 का हमारा दौर था साहब, जब हमने 86वां संविधान संशोधन कर दिया था, याद आ गया, 2002 में हो गई थी ये सब हमारा। और इसमें हमने किया कि जो हमारा भारत के संविधान का आर्टिकल 45 था, 45 में जो था हमारा राइट टू एजुकेशन या एलिमेंट्री एजुकेशन को फ्री की बात हो रही थी, इसे हम संविधान में और कुछ फॉर्म किया और इसे भारत के संविधान में दो जगहों पर जोड़ा। सबसे पहला यदि देखा जाए तो हमारा जो फंडामेंटल राइट था उसमें आर्टिकल 21 में हम ए जोड़ करके इसको हम फंडामेंटल राइट्स में डाल दिए, उसके बाद इसको फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी हमने डाल दिया, क्लियर हो गई। और यहाँ पर किया गया कि जो भी बच्चा 6 साल से 14 साल का बच्चा का उम्र होगा उसे हम एलिमेंट्री एजुकेशन जो होगा फ्री ऑफ कॉस्ट उसे एलिमेंट्री एजुकेशन देंगे 1 किलोमीटर के दायरे में। यह राज्य सरकार का दायित्व होगा कि वह 1 किलोमीटर के दायरे में बच्चा को इस तरह से एजुकेशन प्रोवाइड करे, क्लियर हो गया। उसके बाद माता पिता पे थोड़ा सा जिम्मेवारियाँ सौंपी गई, कर्तव्य उनको दिया गया कि हर माता पिता तथा घर के जो दादा दादी होंगे ओल्ड एज सीनियर मोस्ट सिटीजन, उनका यह कर्तव्य होगा कि वह बच्चों को स्कूल पहुँचाएँ तथा बच्चों को सरकारी स्कूल या स्कूलिंग शिक्षा लेने में उनके वो मदद करें, क्लियर हो गई। तो इस तरह से यहाँ हमारे पास दो पार्ट में और जुड़ जाता है, तो ये चीज़ों को भी हमें याद करनी होगी। लिखेंगे अब 9th 97 से 2002 हो गया, लिखेंगे औद्योगिकीकरण, मानव विकास, औद्योगिकीकरण मानव विकास, पूर्ण पैमाने पर रोजगार, गरीबी में कमी तथा घरेलू संसाधनों पर आत्मनिर्भरता, घरेलू संसाधनों पर आत्मनिर्भरता जैसे लक्ष्य को पूरा करने के लिए, लक्ष्य को पूरा करने के लिए ध्यान केंद्रित किया गया, ध्यान केंद्रित किया गया, आत्मनिर्भर बाबू था, ठीक है, आत्मनिर्भर तथा गरीब जैसे लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित किया गया। आगे इस दौर में स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, जवाहर रोजगार समृद्धि योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, आदि को शामिल किया गया। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना आदि को शामिल किया गया। तथा इस योजना के तहत बुनियादी ढांचागत सुविधाओं, बुनियादी ढांचागत सुविधाओं, सुरक्षित पीने का पानी, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, परिवहन, ऊर्जा, बढ़ती जनसंख्या वृद्धि के जांच करना तथा महिला सशक्तिकरण आदि क्षेत्रों में, आदि क्षेत्रों पर
प्रकाश डाला गया। अब देखिए अभी भारत में बाबू जो चल रहा है नल जल, सुन रहे हैं, हर घर नल का जल, मतलब हर घर में पानी। ये विचार सबसे पहले किसने लाए थे? अटल बाबू, अटल बिहारी वाजपेयी। यानी कहा जाता है कि आज जो मोदी जी जितने भी काम कर रहे हैं ये सभी वही कार्य कर रहे हैं जो अटल बिहारी वाजपेयी ने पूरा नहीं कर पाए थे। उनका जितना भी लक्ष्य था तथा उनके समय में जितने भी चीज़ों पर काम किया गया था जो अधूरा रह गया उसी चीज़ों को पूरा कर रहे हैं। महिला सशक्तिकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कि इन्होंने ही शुरू किया। डिजिटल इंडिया आप देख ही रहे हैं, हर गांव तक स्वास्थ्य केंद्र की बात सुन रहे होंगे। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी थे तो उस समय आया था स्वर्ण चतुर्भुज योजना, नाम सुना होगा। उसके बाद नदी जोड़ो योजना, नाम सुना होगा, जिसमें बिहार को जो डूबता बिहार और सूखता बिहार थी, तो जो डूबने वाला उत्तरी बिहार था इधर का पानी दक्षिणी बिहार पहुँचाने की बात हो रही थी। या अभी कोसी पर जो तुम देख सकते हो सुपौल साइड में जो पुल का निर्माण हुआ है, सुने हैं ना, वो भी कौन शुरू किए थे? अटल बिहारी वाजपेयी। तो जो काम उनके टाइम में अधूरा रह गया उसी कार्य को आज के प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी, उसको फुलफिल कर रहे हैं। ये बात को याद रखिएगा, ठीक है। कौन क्या कहता है उसको छोड़िए, अब जब पढ़िएगा तो ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी उस समय कहे थे कि 2035 तक, ये जो जनसंख्या की हम बात कर रहे हैं, है ना, अभी जो हमारी जनसंख्या कितनी है बताएं, पढ़ाएं, कॉपी मत उल्टो। हाँ तो ठीक है, ऐसे बताओ अभी भारत की कितनी जनसंख्या है? 132 है, और बढ़िए कुछ समथिंग, लगभग हम 40 पहुंच चुके हैं, ठीक है। और कौन सा डेट आ रहा है जिस दिन चीन पीछे होगा? 14 जुलाई, और आगे बढ़ जाते 25 बोल देते 14 अप्रैल, 4 महीने सीधे आप एक्सटेंड कर रहे हैं। चीन से कुछ मिली है क्या? 4 महीना बढ़ाने के बाद तो समझ रहे हैं, ये जुलाई कर हम 14 अप्रैल कर रहे हैं तो 4 महीना ना हुआ जी, 4 × 2 = 8, 7, हाँ 3 महीना, 8वां महीना हो जाता है अगस्त, ऐसे कीजिएगा। तो अभी भारत की कितनी है आबादी, कितना परसेंट है विश्व की आबादी का? परसेंट पूछा हूँ दादा, 17% तो हम उसी समय थे 2011 में, 18% प्लस, अब बहुत जल्दी हो जाएंगे जब हमारे परसेंटेज खत्म हो जाएगा, ठीक है, नो लिमिट, परसेंटेज की बात ही नहीं होगा। विश्व का मोस्ट पॉपुलस कंट्री बस आएगा क्वेश्चन, दुनिया का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश, क्योंकि भारत का जो फर्टिलिटी रेट है वह विश्व का फर्टिलिटी रेट के बराबर है। खैर चीन भी इस रास्ते पे आ चुका है। कहाँ बिजी हो बाबू? मोबाइल बंद करो यार, तुरंत बेंच के नीचे मुड़ी डाल दिया। आगे बढ़े, मेरा नहीं ना बजा है अभी तक फोन, बज गया कुछ, बाहर निकल जाना है सीधे, ठीक है, हमें नहीं करके बात ना कीजिए, लेकिन क्लास में नहीं, नियम नियम होता है। आगे बढ़े, तो इस योजना में, हाँ ये आराम से बात करके, रुकना भी पड़ेगा, वही तो दो दोस्त हैं किस लिए, आगे लिखेंगे भैया। तो 9वां पंचवर्षीय योजना क्लियर हो गई। तो अभी बताओ हमारे यहाँ जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए मोदी जी कब तक डेडलाइन रखे हैं? एग्जाम में पूछ लेगा तब कहना कि नहीं पता, रहेगा वो ऑप्शन। अरे भैया अटल जी कितने बार पढ़ाए हैं, जब से हम पढ़ा रहे हैं तब से ही बात पढ़ा रहे हैं, बताइए 30 तक 5-5 साल बढ़ते जाओ, एक ना एक साल मिल ही जाएगा जवाब। 2035 इन्होंने कहे थे अटल बिहारी वाजपेयी कि हम कंट्रोल कर लेंगे जनसंख्या, ऐसे 35 साल ऐड कर दिए हैं मोदी जी, कहें कि 2070 तक देश की जनसंख्या को हम नियंत्रण कर लेंगे। खैर ना आप रहिएगा ना हम रहेंगे, कोई और पीढ़ी आ जाएगा और वो कहेगा कि दोनों बोलने वाला सुनने वाला दोनों में से कोई नहीं है, अब चलो हम लोग अपनी पॉलिसी तैयार करते हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी पॉलिसी तोड़ दिया है हम दो हमारे दो को, है ना। आज हम दो हमारे दो का कोई पॉलिसी नहीं, क्योंकि हम दो हमारे दो भी टफ है जिस तरह से भारत की आबादी बढ़ रही है, और यही कारण ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान ऐसी स्थिति भारत को फिर पैदा करेगा।
क्योंकि जब जनसंख्या बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगा, और लोग खेती तो करना चाहते नहीं हैं, तो जब डिमांड बढ़ेगा और खाद्य पदार्थ बाज़ार में नहीं होंगे तो दाम बढ़ेंगे, और दाम बढ़े तो जिनके पास ज़्यादा पैसा होगा खरीद के खाएगा, जिनके पास नहीं वो भूखे मरेगा, तो फिर क्या होगा, घटनाओं का अंजाम भुगतना पड़ेगा, किसी को मार देना, किसी को काट देना, किसी घर में चोरी, किसी के यहाँ, यही ना हो सकता है, कारण तो कुछ यही हो सकता है। और ये स्थिति होते होते एक दिन ऐसा समय आएगा कि एक मानव फिर दानव बन जाएगा। इसलिए नियंत्रण हमें यदि सबसे पहले करनी है तो जनसंख्या का नियंत्रण होना चाहिए। खैर कुछ बुद्धिजीवी समझ गए हैं, लेकिन सो कॉल्ड जो सेकुलर है वो बातों को नहीं समझेंगे। सो कॉल्ड समझते हैं तथा कथित, उसको धर्म धर्मावलंबी कहिए या सेकुलर के हिंदी क्या उसको कह सकते हैं, तो ऐसे लोग इसकी बातों को नहीं सुनेंगे। और बहुत कहना तो नहीं चाहिए एज ए टीचर, लेकिन बोलना तो पड़ेगा, सच तो बोलना ही पड़ेगा। इस देश में 2 बच्चा वाले टैक्स देते हैं, 12 बच्चे वाले सब्सिडी खाते हैं। मीनिंग क्लियर हो गई होगी? तो यह इसको हम कहते हैं सो कॉल्ड। और वो लेते वक्त बोलेंगे ना सरकार ठीक है, और यदि उससे कोई नियम आए तो सरकार खराब है। इसलिए मैं इनडायरेक्टली बोल दिया, समझने के लिए आपके पास ज्ञान काफ़ी, क्योंकि आप सिविलियन हैं, ठीक है, हर चीज़ बोला ही नहीं जा सकता। तो ये हमारे देश का इतिहास है। अब देखो पीछे दोनों चमनिया मुस्कान दे रहा है, तो आगे चलें। चलो भैया 2-3 को और हमें पढ़ना है। तो 9th हो गया, 10th में आ जाइए। 10th 5-year प्लान कब से कब चलेंगे बाबू? 2 तक तो हो गया, तो ये चलेगा 2002 से लेकर के 2007 तक। इसमें फिर कह सकते हो कि राइट टू एजुकेशन का पार्ट चला ना जी, उसका राइट टू इन्फॉर्मेशन की बात होगा इसी में ना, दोनों होंगे। यदि देखा जाए तो दोनों हमारा अधिकार इसी के अंतर्गत 2005 में, और 2002 में 86वां संविधान संशोधन आई थी, जहाँ पर 6 साल से 14 साल के बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देने की बात हो रही थी। तो ये दोनों अधिकार हमारे इसी में आते हैं। इसमें जो हमने लक्ष्य रखा था वो 8% का रखा था। कितना लक्ष्य रखा था बाबू? 8% का। लेकिन प्राप्ति कितना हुआ? तो प्राप्त जो हमने किया था 7.7% किया था, मतलब मोटा मोटी सफल ही रहे हैं। असफल कैसे? पॉइंट के बाद का कोई वैल्यू होता है, तो लगभग सफल ही रहे हैं, ठीक है। हम कहाँ करें, पूरा तो हम कम्प्लीट नहीं बोला, हम भी तो लगभग ही बोल रहे हैं। तो इसमें क्या हुई, इसमें हम जो ध्यान देने की बात कर रहे थे, इसमें हम सबसे ज़्यादा जो फोकस एरिया हमारी रही वो कृषि रहा, विनिर्माण क्षेत्र रहा, यानी निर्माण क्या बात कर सकते हैं, जैसे पर्यटन रहा, जो हमारा स्मॉल एंड मीडियम जो हमारे इंटरप्राइजेज या उद्योग रहे उस पर हम फोकस किए। ये सभी गतिविधियों पर हमने इस पर सबसे ज़्यादा काम किया। साथ ही साथ आप कह सकते हैं कि इसके अतिरिक्त भारत सरकार जो थी एनर्जी जैसे एक्टिविटीज़ पर ज़्यादा काम किया। तो सबसे ज़्यादा ये सभी में इम्पोर्टेंट आपको हो जाता है जो 91 का जो हमारा IPR रहा, इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो हमारा रेजोल्यूशन रहा वो, और फिर 1-2 सबसे इम्पोर्टेंट होती है, और फिर लास्ट हो जाएगा। तो इसमें फटाक से 2-4 लाइन लिखी, इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ही नहीं, और एग्जाम में ज़्यादा पूछने वाला भी है नहीं। लिखेंगे फोकस में लिख लीजिएगा, कृषि निर्माण पर्यटन, कृषि निर्माण पर्यटन, कलम को तेज क्योंकि आपको टेस्ट भी देना है। कृषि निर्माण पर्यटन, लघु उद्योग खुदरा, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार क्षेत्र। हाँ, लघु उद्योग खुदरा रिटेल, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार संबंधित सेवा। लक्ष्य 8%, प्राप्ति 7.7%। हो गया? हाँ, संबंधित सेवा। लक्ष्य 8%, प्राप्ति 7.7%। हो गया? एक और लाइन लिख लीजिएगा, रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करके, रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करके नागरिकों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाया गया, नागरिकों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाया गया। हो गया दादा? आत्मनिर्भर तथा सशक्त बनाया गया। अंकित,
कहाँ घर है? जमुई। जमुई में कौन सी नदी है जी? जमुई में निकला, जमुई में लुप्त हो गया। तू सबसे पूछे थे, जमुई वाला से ने पूछे हैं, जो बोल दिए थे सच में। हाँ, अभी जमुई में सोना कहाँ मिलल है? गुआ का नाम क्या है? तो आप ही ना बताइएगा। सोनहोन, सोनहो कि सुनहो, सही गांव का नाम ना बता रहे हैं। देखिए अपना इलाका के भी नाम सही नहीं बता रहे हैं। हाँ, उधर उठौवा भी अभी होता है, ओकर उठौवा या पकड़ुआ, आप शुद्ध बोल रहे हैं, हम उठौवा बोल रहे हैं। हाँ तो बच के रहिएगा, यदि भुला जाते हैं तो उठा के ले जाएंगे झाड़ी में, शादी विवाह करके के मम्मी पापा को फोटो भेज देंगे कि हम इतने दिन को आइए विदाई करके ले जाने, तो हम पहुँचा देंगे। ठीक है, तो ये जमुई से। अच्छा ये बताइए, भारत आत्मनिर्भर सबसे ज्यादा कोरोना के टाइम में कौन क्षेत्र में बना था? कृषि के। और बिहार? नहीं जी, जीविका दीदी का नाम आया था जिसमें अभी WHO ने उनको अभी सम्मानित भी किया था, मास्क बताए तो थे। अभी बिहार कौन सी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को सबसे आगे बढ़ाया और भारत में पहला स्थान ले लिया? मखाना या उसको क्या बोलते हैं, मशरूम? मखाना का तो GI टैग मिला है ना, मैंने आम पूछिए तो इमली बताएंगे, बहुत सारे खट्टे होते हैं सर, समझना है आपको, उसको GI टैग। हम तो GI टैग की चर्चा भी नहीं किया, हमने कहा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट कौन सा चीज ऐसा बिहार का है जो अभी भारत में पहले स्थान पर ले आया, क्या है? मशरूम। कौन सी राज्य को हरा करके पहले स्थान पर लाया है, ऐसा कौन सा राज्य था ये भी बताए हैं, कौन सा ऐसा राज्य था जो इसमें पहले स्थान पर था, उसको हम पीछे कर दिए और बिहार पहले स्थान पर आ गया। जम्मू कश्मीर में मशरूम होता है। अच्छा, जम्मू कश्मीर को कौन सा राज्य चैलेंज दे दिया है केसर की खेती में? गलत, सिक्किम। एक बात है, हिंदी मीडियम के बच्चे का जवाब बहुत कम ही एक आधा सही आता है, ये बहुत सोचना पड़ेगा, जवाब सही बहुत कम ही आता है, ज़्यादातर गलत ही निकलता है जवाब, इसलिए कंसंट्रेशन की भी ज़रूरत है बहुत। योगा कीजिए, नहीं तो यहीं से कल से क्लास लगा देते हैं, 1 घंटा योगा का, 7 बजे आ जाना है, अगले दिन 7 बजे योगा क्लास चलेगी, उसके बाद हम है ना, नहीं खुलेगा, आप पहले आइए ना, आपका यहाँ खुलता है 7 बजे। ये साहब लोग आए थे उस समय हम ऑफिस में बैठे थे, कब आए हैं? क्लास सर छोड़ने से 10 से 15 मिनट पहले दोनों तीनों आए हैं, आधा घंटा ने हम ऊपर ही बैठे थे, आप सभी CC कैमरा के नज़र में चल रहे हैं अभी। ओरिसा, उसको हरा दिए हैं, अब हम आ गए पहले स्थान पर। ओके चलो अब आगे बढ़ते हैं, 11वां पंचवर्षीय योजना में आ जाओ, 11th। 11वां कब से कब चलेगा? 7 से, चलो भैया 7 से 12 करो, 11th। और एगो होमवर्क देने वाले हैं आप लोगों को, 2007 से 2012, यही होगा ना, 2007 से 2012, इसमें भी वही सारे चीज़ों को हम लोगों को स्टडी करनी होगी, इसमें भी ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, इसमें भी भारत सरकार जो सबसे ज़्यादा जो उद्देश्य था वो तीव्रतम तथा समावेशी विकास था, तीव्रतम और समावेशी। समावेशी का मतलब सब चीज़ों को बराबर बराबर, ठीक है, चाहे एजुकेशन जैसे, इससे पहले हमारे यहाँ बहुत सारे क्रांति चली, हमारे यहाँ हरित क्रांति चला जो गेहूं के क्षेत्र में चला, वाइट क्रांति चला दूध को लेकर के चला, राउंड क्रांति चला आलू को लेकर के चला, है ना, जैसे हमारे यहाँ ग्रे क्रांति आया उर्वरक को लेकर के, फर्टिलाइजर को लेकर के, ब्लैक क्रांति कोल से रिलेट करता है, पिंक क्रांति मछली से रिलेट करता है ना, गोल्डन क्रांति आया था जो आप पटसन कहते हैं क्या, पर रेस जूट से रिलेट किया, तो इस तरह से। अच्छा, बिहार में सबसे ज़्यादा जूट की खेती कहाँ होती है? और भारत में सबसे ज़्यादा? पश्चिम बंगाल। अब बिहार में अभी कौन सा जिला तथा कौन सा क्षेत्र है
जहाँ पर सबसे ज़्यादा प्लास्टिक के सामान बन रहे हैं तथा साड़ी बन रहे हैं, और विदेश में उसकी डिमांड सबसे ज़्यादा है। अब ऐसे करते करते बिहार के पूरा जिला बता दीजिए। जाके पढ़िएगा, चंपारण साइड में है, नरकटियागंज, नरकटिया, नरकटिया के पास है उस जगह का नाम, मैं भी थोड़ा सा गांव का नाम भुला रहा हूँ। कोरोना के टाइम में लोग बाहर से आकर के चनपटिया, सुने हैं चनपटिया? तो चनपटिया में बड़े बड़े भी उद्योग लगे हुए हैं। आने वाला 69वीं जो BPSC होगा उसमें पूछेगा, इसलिए जा करके अब तो आपको याद बहुत कुछ आएगा। वहाँ बटन फटने लगवे नहीं किया है, पहली गलती आप बोले, वहाँ कोई बटन की फैक्ट्रिंग नहीं लगा है। वहाँ प्लास्टिक के बाल्टी ये सब जो बनता है, ट्रे सब जो बनता है, वो सब बन रहे हैं, तथा साड़ी उद्योग वहाँ पर लगे हैं। और अभी बिहार को नहीं मिला, खाली विदेश जा रहा है वहाँ से माल। विश्व के लगभग 30 देश वहाँ से सामान को इम्पोर्ट कर रहे हैं। कहीं का जवाब कहीं ना डालें, आगे बढ़ें तो चलते हैं, फटाफट लिखते हैं इसमें। इसमें लिखेंगे तीव्रतम एवं समावेशी विकास, तीव्रतम एवं समावेशी विकास हो गया। दूसरा लिखेंगे इस योजना का जिम्मेवारी, इस योजना के जिम्मेवारी, जिम्मेवारी का मतलब ये कैसे बनाना है, क्या करना है। इस योजना के जिम्मेवारी सी रंगराजन, सी रंगराजन को दिया गया था। उस समय 3 महत्वपूर्ण योजनाओं की शुरुआत की गई, उस समय 3 योजनाओं की शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, नाम सुने थे, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। अगला आम आदमी बीमा योजना, नेक्स्ट राजीव आवासीय योजना, दूसरा बोले हैं आम आदमी बीमा योजना, पीछे ब्लैक शर्ट वाले बताइएगा इंश्योरेंस कैगो होते हैं, पढ़ाए हैं आप लोगों को। आपको अपने मोबाइल का इंश्योरेंस कराना होगा, किसके पास जाइएगा कराने, कौन करेगा आपका मोबाइल का इंश्योरेंस? हाँ जी, मोबाइल का। बाइक चलाते हैं, बाइक का इंश्योरेंस करवाए होंगे, कहाँ करवाए थे, अब दुकान का नाम मत बता दीजिएगा। अंकित, आपका गाड़ी का इंश्योरेंस कहाँ होगा? साहिल ऐसा पढ़ाए हैं? बताइए, IR इरड़ा था ना एक, याद अब करा देता हूँ, इतना थोड़ा सा कंसंट्रेट करोगे तो आंसर मिल जाएगा। इरड़ा की स्थापना कब हुआ था? '84। तीनों तो एक भी नहीं जवाब दे, आगे तीनों पे आते हैं, धीरे धीरे स्टेज बढ़ाते हैं। चलिए साहिल से ही पूछते हैं, कंफ्यूज बहुत होते हैं। बताइए इरड़ा तो बार बार एग्जाम में पूछता है, पढ़ाए भी होंगे, अच्छा लिखे भी हैं, तो बताइए तो इरड़ा की स्थापना बताइए, नहीं बताइएगा ऐसे कीजिएगा, हमसे दुश्मनी है क्या? बगल वाले, इरड़ा करता क्या है सो बताओ, इंश्योरेंस करता है? हाँ, बगल में 1994 होगा। और सेबी की स्थापना कब हुआ था? हाँ, सेबी की स्थापना 88 में। किस रूप में इसको स्थापना किया गया था, कैसी संस्था के रूप में? इधर बगल में नहीं ना, क्यों, कैसे नौकरी होगा?
खाली कोचिंग करने से, मुंडी गिनाने से नौकरी हो जाएगा? खाली प्रश्न उठाने से नौकरी हो जाएंगे? पीछे आप भी बताइए, उससे नहीं पूछेंगे बेचारी भी पहली क्लास है, तुमसे नहीं भी पूछेंगे। लेकिन याद रखना, इस लपेटे में आज निकल आने वाली हो। क्या ऐसे ही आप भी सुनेंगे मेरी बात, जवाब देंगे कि लपेटे में आना है? ए फायर मटरिंग, यस। अच्छा, कब कब मिला था नन्हे स्टेचुरी का? 89 में। अच्छा, 1992 में क्या हुआ था साहिल, बताएंगे? अच्छा, हेड क्वार्टर तो बउआ के भी याद है, अब बबू ने तो भी आप ही को याद है। आप बताइए, आप कहे बचिएगा, छोड़िए, आपका घर कहाँ है? सोनपुर। ये सोनपुर में मेला क्यों लगता था जी? कब से लग रहा है? क्यों लगता है? पशु का मेला लगता है? अच्छा, अब नहीं लगता। अब कौन सी का मेला लगता है? कौन कौन से नदी के टापू पर, या कौन से नदी के मेल पर यह पाया जाता? गंगा। और गंगा के पानी में कीड़ा नहीं होता, क्यों? क्या तो वही तो हमको जानना है। अच्छा, गंडक के पानी में भी कुछ पाया जाता है? गंडक और गंगा के पानी काला ही क्यों? गंडक और गंगा के बालू काला ही क्यों? रेत क्यों? वहीं सोन का बालू घर बनाने वाला, ऐसा क्यों? अगला होमवर्क करके सब पुआना है। न जवाब देगो तो घर से पूछेंगे क्वेश्चन। आपने कुछ नहीं बोला तो हम तुम्हारे सोनपुर से पूछने लगे। वो नहीं बता रहा था तो सीधे पहुँच गए, जमुई में पहुँच गए, कुछ नहीं था। सिंपल सी प्रश्न है, जब हम अपने टॉपिक से पूछेंगे, नहीं बताओगे तो आपके घर से पूछेंगे। कम से कम तो अपना घर के बारे में जानना, और घरों के बारे में नहीं पूछे फिर गोतिया के बारे में पूछेंगे। आगे बढ़े, चलो लिखा जाए। पढ़ो बाबू पढ़ो। तो जिम्मेवारी किनकी मिली थी? श्री रंगराजन जी को मिली थी, है ना? हाँ बाबू। तीसरा योजना था राजीव आवासीय योजना, हो गया। आगे बढ़ो भैया। लक्ष्य 8.1%, प्राप्ति 7.9%, 8.1। ये सुनता भी कम है लड़का, कहाँ दिमाग रखता है। 8.1%, प्राप्ति 7.9%, कंसंट्रेशन ही नहीं रखता है। अब जो आपको कहना है आप पे डिपेंड करता है। आगे लिखेंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में विकास हेतु, ग्रामीण क्षेत्रों में विकास हेतु ऊर्जा क्षेत्रों को और अधिक विकसित करना, ऊर्जा क्षेत्रों को और अधिक विकसित करना तथा नागरिकों को पीने का शुद्ध पानी उपलब्ध कराना, तथा नागरिकों को पीने योग्य शुद्ध पानी उपलब्ध कराना, हो गया दादा? पीने योग्य शुद्ध पानी उपलब्ध कराना। इसके बाद हम लोग 12वीं पंचवर्षीय योजना पढ़ेंगे, और हमारा इसी के साथ योजना खत्म होगी। लेकिन आपको 15वर्षीय विजन डॉक्यूमेंट पढ़ के आना होगा, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो थे, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसमें एक चेंजिंग किए थे। मैं बार बार याद करा रहा हूं कि परिचय लेना है, क्यों आप लोग भूला ना जाओ। देखो भैया, 12 जो है ये हमारा 2012 से 2017 तक चला, और माना जाता है कि हमारा 12वां जो था पंचवर्षीय योजना, ये हमारा पंचवर्षीय योजना अंतिम पंचवर्षीय यानी लास्ट था, है ना? लेकिन आपको मैं बता दूं कि भारत सरकार ने आगे 2017 से मैं 15 जोड़िएगा तो लगभग 2031-32 आएगा। क्या आएगा? 31-32 आएगा।
तो एक हमारे यहाँ 15 वर्षीय, ध्यान दीजिएगा, एक 15 वर्षीय हमारे डॉक्यूमेंट लॉन्च की गई भारत सरकार के द्वारा, या एक कह सकते हैं 15 ईयर्स एक एजेंडा तय की गई है। क्लियर हो गई? और ये एजेंडा जो भारत सरकार के द्वारा तय की गई, तो अभी हम मानते हैं कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद 13वीं नहीं शुरू हुई है, लेकिन जब आप कोई किताबों को पढ़िएगा, नेट उट पर जाइएगा, तो हो सकता है 13वीं पंचवर्षीय योजना भी नाम दे दे। तो जो 13वीं नाम देते हैं बाबू, 13वीं नहीं है, बल्कि वो 15 साल का भारत सरकार का विजन डॉक्यूमेंट्री है। क्या है? विजन डॉक्यूमेंट्री। जो हमने 15 वर्षीय 31-32 रख रहे हैं, इसको हम बोलेंगे यह एक विजन डॉक्यूमेंट्री है, और इस पर अभी सरकार काम करे। विजन डॉक्यूमेंट्री में क्या है बाबू? इसमें है कि जिस घर में अभी भी पीने योग्य पानी नहीं है, ध्यान देना, उस घर तक पानी पहुंचा देना। जिस घर में अभी भी बिजली नहीं है, या भारत का वह गांव या वह परिवार जो आज भी समाज से कहीं ना कहीं छूटा हुआ है, या बहुत दुरांत इलाका में है, एक्सटेरियर इलाका, इंटीरियर इलाका में है, और वहां तक उनको किसी भी प्रकार का जो सुविधाएं होनी चाहिए, सरकार की योजना परियोजना होती है, उनके तक यदि नहीं पहुंच पाता है, तो सरकार उस घर तक, अंतिम जो पीढ़ी में खड़ा इंसान है, वहां तक पहुंचाने का जो सरकार का विजन है, उसे हम लोग क्या रखे हैं? 15 वर्षीय डॉक्यूमेंट्री या विजन ऑफ डॉक्यूमेंट्री कह सकते हैं ना। तो ये है, तो इसके अंतर्गत जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है, तो इसमें हमारे यहाँ भी भारत में जो चल रही है, ये चल रही है इंद्रधनुषी क्रांति। नाम सुना होगा अभी देश में क्या चल रही है, क्योंकि इससे पहले बहुत सारी क्रांतियाँ आए, और जितने भी अभी तक हमारे यहाँ क्रांतियाँ आए, वो किसी एक क्षेत्र के लिए आए थे। एक क्षेत्र को हम आगे बढ़ाए, चाहे वो कृषि को आगे बढ़ाए, तो किसी मछली पालन को कोई बढ़ाया, तो किसी ने दूध को बढ़ाया, इस तरह से हमारे यहाँ चल रही थी। लेकिन अभी हमारे यहाँ इंद्रधनुषी क्रांति आई। इंद्रधनुषी क्रांति जो है, ये हर क्षेत्रों को बढ़ावा दे रही, चाहे वो शिक्षा हो, चिकित्सा हो, समाज हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, कृषि हो, उद्योग हो, सारे क्षेत्रों को बराबर, सामरिक जिसको कह सकते हैं, सामरिक समन्वय बना करके अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए भारत सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। क्लियर हो गया? अब इसके द्वारा हर गांव को सड़क से जोड़ना, यदि कोई गांव है और उसके बगल से यदि मान लो कि स्टेट हाईवे क्रॉस किया है, तो उसको स्टेट हाईवे से जोड़ देना, स्टेट हाईवे को नेशनल हाईवे से जोड़ देना, गांव के बगल में यदि नेशनल हाईवे है, तो वहां उस गांव को नेशनल हाईवे से जोड़। ये सभी जो विचार हैं, ये सभी विचार किसके अंतर्गत हैं? विजन 15 साल। ठीक है, तो हम 12वीं पंचवर्षीय योजना पढ़ा रहे हैं, 15 वर्षीय जो एजेंडा है सरकार का, ये आपको पढ़ लेना, नॉर्मल हमें सब बता दिया। क्लियर हो गया? तो लिखा जाए साहब, 12वीं पंचवर्षीय योजना में डायरेक्ट लिखेंगे, आर्थिक क्षेत्र में कृषि, ऊर्जा, उद्योग, परिवहन, संचार, ग्रामीण विकास, शहरी विकास तथा सामाजिक क्षेत्र में, ये हुआ हमारा आर्थिक क्षेत्र का पार्ट, ठीक है, तथा सामाजिक क्षेत्र में स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार, कौशल विकास, महिला सशक्तिकरण, बाल अधिकार तथा सामाजिक समावेशन। हाँ, बाल अधिकार में तो वही आएंगे, सामाजिक समावेशन को शामिल किया गया है। हो गया? टारगेट लिखिएगा, लक्ष्य 10%, पाया 9%, लेकिन घटा दिया था इसको, याद रखिएगा, 9% घटा, ऐसे लिखो, पहली बार लक्ष्य 10% रखा गया था, जिसे दो बार घटाया गया। घटाकर 9% फिर किया गया 8.1%, 10% घटा के 9%, इसे भी घटा के 8.1% कर दिया गया। और इसका कारण क्या हुआ? वैश्विक आर्थिक संकट, कोरोना। क्लियर हो गई? आर्थिक संकट के कारण इसको
रोकना पड़ा। इज इट ओके? तो आज सरकार इस पे ही काम कर रही है कि जिनके घर में दो पहिया गाड़ी है उसको चरपहिया बनवा दे, घर में करवा दीजिए। जिनके यहाँ साइकिल भी नहीं, कम से कम दो पहिया साइकिल करा दीजिए। यही हमारा 15 वर्षीय जो डॉक्यूमेंट्री है इस पे काम चल रही है। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर। अच्छा, एक क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिएगा मेंस के लिए, लिखिए। प्राप्ति कहाँ हुआ? प्राप्ति के बाद तो हम 13 सीधे आइएगा 15, क्योंकि प्राप्ति कोरोना गया ना, तो फिर प्राप्ति कीजिएगा, लिखेंगे होमवर्क। होमवर्क में लिखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था में, भारतीय अर्थव्यवस्था में पंचवर्षीय योजनाओं के, भारतीय अर्थव्यवस्था में पंचवर्षीय योजनाओं के योगदानों को, योगदानों को या योगदानों पर कर लीजिए, योगदानों पर प्रकाश डालें। तो इसी के साथ आपकी पंचवर्षीय योजना समाप्त होता है और अब आपका टेस्ट का समय होता है।